नेशनल हाईवे दे रहा हादसों को दावत, पूरी यात्रा काल में बदहाल रहा यमुनोत्री हाईवे। यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन दिनों राणा चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच बदहाली की मार झेल रहा है। पूरा यात्रा सीजन बीतने वाला है और भैया दूज के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं, लेकिन हाईवे की हालत पूरे सीजन में बदहाल ही रही। खतरनाक मार्ग की वजह से शीतकाल में भी स्थानीय लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस रास्ते यात्रियों को जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी होगी और यात्रियों की मुसीबतें शीतकाल के लिए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस इलाके में बर्फबारी भी अच्छी खासी होती है। ऐसे में सड़क पर सफर करना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक और मार्ग की खस्ता हालत और दूसरी ओर बर्फबारी की मार, ये शीतकाल यमुनोत्री हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है। वहीं ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे का करीब 31 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण किया जा चुका है मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से जानेंगे हाईवे के मौजूदा हालात। यात्रा काल खत्म होने को है और हम यमुनोत्री नेशनल हाईवे के राणा चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच में अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहन यहां से जो है आवाजाही कर रहे हैं, कितनी खस्ता हाल ये सड़क है और प्रतिदिन यहां सैकड़ों वाहन होकर के गुजरते हैं। 6 महीने पूर्व भी राज्य सरकार के द्वारा और संबंधित विभागों के द्वारा ये वादा किया गया था कि चारधाम यात्रा का जो यात्रा मार्ग है पूरी तरह से चार चौबंद रहेगा, लेकिन पूरा 6 महीना अब खत्म होने को है। कुछ ही दिनों के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, चारधाम यात्रा शीतकाल के लिए समाप्त हो जाएगी और आने वाला ग्रीष्मकाल जब प्रारंभ होगा तो उसके बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। लेकिन जो बद से बदतर ये हालात है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये बद से बदतर जो हालात है, ये एकमात्र पुलिया है, इस पुलिया से होकर के ही वाहन आवाजाही करते हैं। लेकिन कभी भी वर्षा काल में यदि यहाँ पर ज्यादा भूस्खलन हो गया तो ये पुलिया भी बह सकती है और पुलिया के बहने के साथ ही ये पूरा यात्रा रुक सकती है, यात्रा पे विराम लग सकता है। 6 महीने का समय है, काम बहुत अधिक है। इससे पूर्व भी प्रशासन के द्वारा और स्थानीय जो संबंधित जो जिम्मेदार महकमा है उसके द्वारा कहा गया था कि सड़क मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन दुरुस्त नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा ये डेंजर हो गया है, खतरनाक हो गया है। हालांकि यात्रा काल बंद हो जाएगा लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय गांव हैं इस यात्रा रूट में, वहाँ के लोगों को जब आवाजाही करनी होगी तो वो खतरे से खाली नहीं होगी, क्योंकि शीतकाल में काफी स्नोफॉल यहाँ पर होता है। ऐसे में गड्ढा युक्त जो ये सड़क है ये दुर्घटना का सबब बन सकती है। ओंकार बहुगुना उत्तराखंड तक यमुनोत्री धाम।